यह है रेवलोन का टेनियम मैक्स एडिशन जो कि एक ही बार में आपके बालों को स्ट्रेट कर देगा ये ब्रश है और ब्रश के अंदर ड्रायर भी है ओके ड्रायर जैसे कि हवा आती है ब्रश के अंदर से ही बहुत अच्छी चीज है मुझे मैंने देखा और मैंने सोचा मैं खरीदूं और इस पे वीडियो बनाऊं तो मैंने खरीदते ही आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाने का निर्णय ले लिया और बाय कर लिया खरीद लिया फीचर्स क्या क्या हैं? छोटा सा है जो अच्छे से आपके बालों में वॉल्यूम देता है टैंगल फ्री करता है फ्लो है, हीट के अलग अलग सेटिंग्स है ये सारे काम करता है ओके तो इसको बोलते हैं रेवलॉन का ब्रश या आप ड्रायर बोल सकते हो एक तरह का ड्रायर ही है बट विद ब्रश तो डिफरेंट चीज है मुझे डिफरेंट लगी आ, और ब्रांड है ब्रांड की वजह से मैंने ख़रीदा तो आन... सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं बहुत अच्छी चीज़ है जस सीधे मैं बहुत सारे वेवी हेयर लेके आने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं वेवी हेयर को कैसे सीधा किया जाता है आप घर पे खुद भी इसको यूज़ कर सकते हैं इसके लिए आपको किसी हेयर स्टाइलिश की ज़रूरत नहीं है बट मैं यहाँ पर खुद करके दिखा रहा हूँ सो वो ज़्यादा अच्छा है आई थिंक आप लोगों को ईज़ली समझ में आ जाएगा कैसे करना है ओके चलिए मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ पहले इसमें से यह टूल को निकालता हूं यह फुली पैक्ड है अच्छे से और ऊपर कुछ लगा हुआ है ताकि ये डैमेज ना हो इस वजह से तो मैं इसको निकाल लूंगा एंड फिर इसका जो रैपर है वो भी खोलेंगे हम वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा बट मज़ेदार होने वाला है तो ये जो ब्रश है ये पिंक कलर का ब्रश है कुछ साथ में दिया है उन्होंने इंस्ट्रक्शंस के लिए और एक केस भी है तो ये ब्रिस्टल हैं दो तरह के हैं एक प्लास्टिक के एक ब्रश ब्रिस्टल हैं ओके ये मेल्ट नहीं होते हैं सबसे बड़ी बात है इसकी और ये सेटिंग्स हैं ऑन ऑफ एंड कोल्ड तीन है इसके अंदर देखिए ऑफ कूल लो एंड हाई मतलब बंद करना है ठंडा चलाना है मीडियम गरम चलाना है या फुल गरम चलाना है तो रेबलोन ब्रांड तो आप लोगों ने सुना है तो इसके ऐसे टूल्स भी आ रहे हैं हेयर टूल्स जो हम लोग यूज़ करना शुरू करने वाले हैं स्पेशली ख़रीद लिया देखो मैंने ऑलमोस्ट ये है चालीस डॉलर का आई थिंक सो इतने का ही है ये बैग है इसके अंदर आप जैसे ही गर्म हो अपने अपने बालों को स्ट्रेट किया है तो इसको रख सकते हो आराम से और इससे बालों के अंदर वॉल्यूम भी मिलता है बाकी ये इंस्ट्रक्शंस है मैं तो पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल होती नहीं है तो साइड में रख दो ये बाल हैं आप देख रहे हो वेवी हैं तो मैं पहले लगा रहा हूँ ओलाप्लेक्स नंबर सेवन का बॉन्डिंग ऑयल इन बालों के अंदर ओलाप्लेक्स नंबर सेवन बॉन्डिंग ऑयल अब इसको कैसे निकालना है ध्यान से देखिएगा पकड़ा और ऊपर टैप करना होता है उंगली से तो मैक्सिमम आप पाँच से सात बूंदें लगा सकते हो पूरे बालों में मैंने लिया अपने हाथों पे लगाया अच्छे से और पूरे बालों में लगा दिया ताकि बाल जो हैं वो टेंगल फ्री हो जाएं हमारे क्लाइंट ने अभी हेयर वॉश किया हुआ है जस्ट अभी हेयर वॉश किया है आ, हो गए दस पंद्रह मिनट और बाल सूखे गीले सूखे हैं और वेव भी हैं आप देख रहे रूट्स के पास वेव हैं ये नेचुरल हेयर हैं वॉश करने के बाद तो जो वेव हैं वो मुझे सीधे करने हैं बाल ध्यान से देखिएगा मैं सारी वीडियो में यही दिखाने वाला हूं कि इसको कैसे स्टेट किया जाएगा तो सबसे पहले हम लोग लेंगे सेक्शनिंग फोर मेजर सेक्शन आप सबको आई थिंक इसके बारे में तो पता होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है बट अगर नहीं पता है तो आप जाके मेरी सेक्शनिंग वीडियो देख सकते हो जो कि वीडियो के राइट साइड ऊपर दिखाई देगी आपको अभी मैंने सेक्शन निकाल लिया है नेप में और मैं अपना टूल जो है वो ले लूँगा ये सेक्शन मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा है तो मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ बालों को देख लूँगा टेंगल फ्री हैं तो अच्छी बात है अगर नहीं भी हैं टेंगल फ्री तो ये हमारा काम करेगा टेंगल फ्री करने का भी तो मैं बालों के चारों तरफ इसको चलाऊँगा ओके उसी तरीके से इसमें से हवा निकल रही है गर्म हवा निकल रही है और बालों इसके ऊपर एक स्टील की लेयर है ब्रश के ऊपर आप देख रहे हो जो चमक रही है वो गर्म हो जाती है जैसे ही वो गर्म होती है तो बालों को सीधा भी करती है और एयर फ्लो से क्या होता है बाल ड्राई हो जाते हैं सूखते भी हैं ऑब्वियसली जो गीले बाल होंगे वो सूख जाएंगे और बाल स्ट्रेट भी हो जाएंगे तो आप कहीं भी किधर भी घुमाओ बस ये बालों को इसमें से ब्रश के अंदर से निकालना है ताकि बाल अच्छे से स्ट्रेट एंड शाइनी हो जाएंगे आपके बाल जितने क्यूटिकल्स ओपन है बिकॉज ऑफ हेयर वॉश वो बंद हो जाएंगे तो आप देख रहे हो कितना अच्छा रिजल्ट मिला है हमें यहां पे अभी मैं सेकंड सेक्शन लूंगा अब डिफरेंस देखिए चलिए अभी मैं सेक्शन बाय सेक्शन करके दिखाने वाला हूं जैसे फुल हेयर हो जाएंगे आपको तब जाके समझ में आएगा कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे दिखाने वाले हैं बाल ओके चलिए थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि वीडियो अच्छे से दिखाई दे उसी तरीके से पहले वाले बाल किए साइड में नए बाल लिए और सिर्फ ब्रश के अंदर से बालों को निकालना है पहले एक साइड से आप देख रहे हो राइट साइड से फिर बॉटम साइड से नीचे की साइड से ओके दो बार मैंने हर जगह दो दो बार यूज कर रहा हूँ फिर टॉप साइड से ब्रश यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन छः बार यूज़ कर लिया है आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा इजी है दिखने में भी इजी लग रहा है करने में भी इजी है आप घर पे भी कर सकते हो और इसका रिज़ल्ट सुपर मुझे नहीं लगता था कि इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा ऑब्वियसली ये ऐसे प्रोडक्ट मैंने बहुत सारे देखे थे पहले इंडिया में बट कभी यूज़ भी किए थे बट इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता था तो यहां पे जो वेव थे आप देख रहे हो रूट्स के पास एंड्स में सारे निकल गए तो शाइन देखिए बालों में कितनी ज्यादा आ गई है जस्ट बिकॉज ऑफ लेयर्ड हेयर ब्रश अब देखिए यहां पे बहुत सारे वेव हैं ऊपर आप देख रहे हो तो मुझे हर जगह से इस ब्रश को चलाना है मैं ऑन कर रहा हूं पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से बार बार आप एक ही जगह पे नहीं रख सकते हो इसको मूव करते रहना पड़ता है और अलग अलग एरिया में लेके जाओ तो उससे क्या होगा आपके जितने भी बाल वेवी हैं टेंगल फ्री हैं या जिनमें शाइन नहीं है एक तो वेव निकल जाएंगे टेंगल फ्री हो जाएंगे और शाइन आ जाएगी तो मैं यहाँ पे हर तरह से बालों को अच्छे से इसके अंदर से निकाल रहा हूँ ब्रश कर रहा हूँ दैट मीन ब्रशिंग माई हेयर ब्रशिंग माई क्लाइंट हेयर और जितना आप ऊपर लेके जाओगे उतना बालों में वॉल्यूम आएगा वॉल्यूम आप समझते ना उतना ज्यादा बाउंस आएगा बालों के अंदर बॉडी मिलेगा बालों को उतना ज्यादा बॉडी मिलेगा तो यहां पे सारे बाल धीरे धीरे करके मैं कर रहा हूं और साथ साथ में दिखा रहा हूं कितना ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है बालों में कितना ज्यादा शाइन आ रहा है अब देख रहे हो ऊपर वाले बाल एंड जो किए हुए हैं डिफरेंस बिटवीन जो बिफोर एंड आफ्टर वाले हेयर आप देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है मैं कोई आयरन नहीं यूज कर रहा हूं यहां पे आपके सामने ही यूज कर रहा हूं और दिखा रहा हूं और इसका रिजल्ट देखिए आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा राइट right? चलिए इसको फिर से उसी तरीके से मैं ब्रश कर रहा हूं अपने हेयर को आई एम ब्रशिंग माई हेयर आई एम ब्रशिंग माई क्लाइंट हेयर हर तरफ से करना है मुझे यू कैन यूज़ दिस ब्रश एवरीवेयर ऑन योर हेयर फ्रॉम द डिफरेंट एंगल फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज सो दैट जितने भी वेव हैं वो निकल जाए और बालों में शाइन आ जाए अगर वेट हैं बाल तो वो ड्राई हो जाए देखिए आपके सामने करते ही करते विद इन अ मिनट वो एरिया बिल्कुल स्ट्रेट हो गया जहाँ पे वेव था और बालों में ऐसी शाइन आप देख रहे हो कितनी अच्छी शाइन मिल रही है बालों को यह शाइन के लिए लोग स्पेशली आयरन करवाते हैं बट यहां पे यह रेवलोन का जो प्रोडक्ट है ब्रश विद ड्रायर जबरदस्त है मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप जरूर खरीदो और उसको यूज करो मैंने कॉम किया है यहां पे दिखाने के लिए कि कहीं पे बालों में शाइन दिखाने के लिए देखिए कितनी शाइन है ये नेचुरल हेयर हैं जस्ट हमने ड्रायर किए हैं और अगर हम नॉर्मल ड्रायर यूज करते हैं तो उससे बाल और ज़्यादा फ्रिजी या डैमेज होते हैं तो इसमें क्या है बाल सीधे भी हो रहे हैं और साथ में आपको शाइन भी दे रहे हैं और ड्राई भी कर रहे हैं तो सारे काम एक ही जगह पर हो रहे हैं अगर आप गीले बालों पर आयरन लगाते हो ऑबियसली बाल खराब कर देते हैं राइट तो यहाँ पर गीले बाल थे थोड़े बहुत और उसको हवा से हम ट्राई कर रहे हैं तो डैमेज होने के चांसेस ही नहीं है समझ पा रहे हो आप मेरी बात तो उसी तरीके से अदर साइड मैंने हर साइड से पहले देखिए बॉटम की साइड से मैंने ब्रश चलाया फिर टॉप साइड से मैंने ब्रश चलाया बिल्कुल सॉफ्ट फिर बॉटम से एक साइड से राइट साइड से एंड देन टॉप से देखिए मैं बार बार एंगल जो है एरिया जो है वो चेंज कर रहा हूँ ताकि मुझे बालों को अच्छे से ड्राई करना है और जितने भी वेव हैं वो निकाल देने हैं ये एरिया बाकी था लास्ट में इस एरिया में भी कर दिया मैंने एक बार और कर सकते हैं ताकि जितने भी वेव हैं वो निकल जाए देखिए स्ट्रेट हो गए मैंने बंद करके रख दिया आपको दिखाने के लिए बाल एकदम सीधे हो गए यार मतलब ये जादू हो रहा है सच में ये जादू नहीं था और क्या है सिर्फ बालों को ब्रश करने से अच्छे से आपके बाल सीधे शाइनी और ड्राई हो रहे हैं तीन चार काम एक ही बार में कर रहा है भाई ये तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप ऑनलाइन खरीद सकते हो इसको अमेजोन पे मिलता है ये ओके और अमेरिका कैनेडा में तो इजी अवेलेबल है मैंने एक्चुअली ये खरीदा है एक शॉप है यहाँ पे जहाँ से मैं ज़्यादातर सामान लेता हूँ वहीं से ख़रीदा है इसको आप भी आराम से बाई कर सकते हो अगर आपको घर पे यूज़ करना है तो बेस्ट बेस्ट टूल है ये यूज़ करने के लिए ओके तो सेक्शन बाय सेक्शन मैं क्या कर रहा हूँ ओनली बालों को ब्रश के अंदर से निकाल रहा हूँ ताकि बाल सूख जाएं स्ट्रेट हो जाए एंड बालों के अंदर शाइन आ जाए तो अभी मैं करूंगा फ्रंट का एरिया ये बैक का एरिया हो चुका है मैं ब्रश कर लूंगा पैडल ब्रश से ब्रश कर लूंगा बालों को अच्छे से देखिए कितनी ज्यादा शाइन है नेचुरल शाइन है बालों के अंदर अभी आ गया हमारा फ्रंट का एरिया फ्रंट एरिया को भी देखिए बाल गीले आपको दिख रहे होंगे जो ज्यादातर बालों के साथ काम करते हैं उनको पता लग जाता है कौन से बाल गीले हैं और कौन से सूखे हैं तो फ्रंट के हेयर गीले हैं थोड़े से अभी भी वेव है आप देख रहे हो वेव को निकालने के लिए वी आर यूजिंग दिस ब्रश जिसके अंदर हॉट एयर निकल रही है हॉट एयर निकलने से अभी एक नया हॉट एयर रैप भी आया है एयर रैप क्या करता है एयर रैप से आपके बाल करली हो जाते हैं वो आपके बालों को सक्शन कर लेगा खींच लेगा अपने अंदर और बालों को कर देगा कर्ज जो हम टोंग के अंदर करते थे वैसा ही और वो भी मज़ेदार चीज़ है उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा आपको दिखाऊँगा एयर रैप बोलते हैं उसको बहुत सारे नए टूल्स हैं यहां पे जो मैं हर बार प्लान करता हूं कि आप लोगों को कुछ नया दिखाऊं कुछ लेके आऊं आप लोगों के लिए और आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा राइट right? तो उसी तरीके से मुझे क्या करना है सेक्शन बाय सेक्शन अभी मैं करूंगा अदर साइड फिर बाद में लास्ट में हमारा बॉक्स का एरिया ओके okay? तो मैं बालों को अच्छे से टाई कर दूंगा और अपना ब्रश उठा लूंगा जरा मेरा ब्रश काम करता है उसी तरीके से पहले सिंपल ब्रश कर लो आप बालों को अच्छे से ताकि जो टैंगल्स हैं वो निकल जाएं उसके बाद मैं ऑन कर रहा हूं देखिए कितने ध्यान से सॉफ्टली खींचने नहीं है बाल पुल नहीं करने हैं नहीं तो बाल टूटेंगे या पेन हो सकता है क्लाइंट को ओके तो बिल्कुल सॉफ्टली हाथ से देखिए एक हाथ मेरा बालों पे है एक हाथ मेरा रो रोलर पे है एक हाथ मेरा ब्रश पे है एक हाथ मेरा बालों में है ताकि बाल नीचे ना गिरे और मैं पकड़ लूं अब देख रहे हो जितने भी बाल वेवी थे जितने वेव थे टेंगल थे ड्राइनेस दिख रहे थे वो सारे चले गए हैं वो बालों में सारी ड्राइनेस चली गई है और बालों को अच्छे से स्ट्रेट करके हमारा ये जो ब्रश है वो दिखा रहा है मतलब मजेदार चीज है यार मैं तो आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि आप खरीद लो अगर आपको खुद के बाल ट्रायर कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट टूल है बालों को ड्राई करने का ओके अभी मेरा बॉक्स का एरिया लास्ट में मैं हर जगह से वैसे ही और ये गर्म भी नहीं लगता है आपकी स्कैल पे क्योंकि इतना ज्यादा हीट नहीं है जैसा ड्रायर में आता है बट स्टिल ये अपना काम कर रहा है जो इसको करना है बाल सीधे करना और ड्राई करना और सबसे बड़ी बात शाइन दे रहा है जो इसमें वो प्लेट लगी हुई है स्टील की सिल्वर की जो भी है उससे शाइन मिल रही है बालों को बहुत ज्यादा ये मैंने खोलते ही समझ में आ गया था मुझे कि ये बहुत अच्छा टूल है जो बनाया है और अभी मेरा बॉक्स का एरिया एक पार्ट रह गया वो करने के बाद आपको दिखा दूंगा कि फाइनल रिज़ल्ट क्या है हमारे क्लाइंट के बालों में क्या रिज़ल्ट आया है ओके चलिए सेक्शन बाय सेक्शन पहले बिना ऑन किए मैं इसको टेंगल फ्री कर रहा हूँ देन उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे अभी ऑन करूँगा मैं एंड देन उसके बाद फिर से उसी तरीके से जैसे हम ब्रश यूज़ करते हैं जितना आप ऊपर लेके जाएंगे वॉल्यूम आएगा बॉडी मिलेगा बालों को मैं ऊपर खींच रहा हूँ टूवर्ड्स द क्राउन क्राउन की तरफ ही ऊपर लेके जा रहा हूँ बहुत ज्यादा सॉफ्ट हाथों से करना है खींचना नहीं है देखिए ध्यान से अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा बता दीजिएगा मुझे कैसा लगा ये वीडियो आपको ओके सेक्शन बाय सेक्शन वी आर डूइंग द सेम थिंग जस्सी दिस हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया इसके बाद मैं सारे बाल पीछे लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा आज का फाइनल रिजल्ट देखिए कितना ज्यादा शाइन है बालों के अंदर जस्सी दिस राइट मजा आया वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से लाइक करने के पैसे नहीं लगते भाई साहब लाइक कर दीजिए लाइक एंड शेयर प्लीज कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा पसंद आया तो भी नहीं आया तो भी बता दीजिएगा हमें क्या आगे और अलग करना चाहिए शाइन देखिए जस्ट लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो मच आज के लिए इतना ही फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर गुड नाइट